हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या हेल्प किचन। तो आज मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से और बहुत ही नए तरीके से और बिल्कुल कम टाइम में हम लोग बिल्कुल अलग तरीके से पॉपकॉर्न कैसे घर पे सेक सकते हैं वो बताऊंगी। तो पॉपकॉर्न हम लोग बिल्कुल इजीली घर पे बना सकते हैं, तो एक बार आप बनाकर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो कि बिल्कुल इजीली हम लोग कैसे बना सकते हैं घर पे ही पॉपकॉर्न। तो आप देख सकते हैं पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले इस टाइप का मैंने ये आप देख सकते हैं मक्के के दाने लिए हैं, इस तरीके से मक्के के सीड्स लिए हैं मैंने, और इस तरीके से पूरा अच्छी तरीके से बटर में कोट है। तो आप नॉर्मल मक्का यूज़ कर रहे हैं तो आप जो घर की मक्का होती है वो यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली भी रख सकते हैं, बट इस टाइम मैंने पैकेट वाली यूज़ की है। तो इस तरीके से बटर है इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हुआ पहले से ही आता है, तो ये है वो। और आप नॉर्मली भी बट आप यूज़ कर सकते हैं मक्के को, और अगर आपके पास नहीं है तो आराम से आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आप खरीदेंगे तो इस तरीके से मिल जाएंगे मक्के के दाने। आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं घर में बिल्कुल पॉपकॉर्न। तो आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने आधी कटोरी के लगभग ये मक्के के दाने लिए, इस तरीके से ये लिए मैंने कढ़ाई। तो गैस का फ्लेम ऑन करना है, तो मैंने गैस का फ्लेम भी ऑन कर दिया है, तो थोड़ा सा हम लोग कढ़ाई को गर्म कर लेंगे। तो ये मैंने आप देख सकते हैं नॉनस्टिक कढ़ाई ली, तो ये भी गर्म हो चुकी है। तो अब इसमें बटर डालना है, तो आप देख सकते हैं मैंने इस टाइम सॉल्टेड बटर का यूज़ किया है। तो बटर को मेल्ट होने देंगे थोड़ा सा, और इस तरीके से फैला लेना है। तो बटर भी मेल्ट हो चुकी है, तो अब इसमें डाल देना है मक्के के दाने को। तो आप देख सकते हैं अब इस तरीके से गैस का फ्लेम तो सबसे पहले लो करना है, और इस तरीके से इनको मिक्स कर लेना एक बार तो अच्छी तरीके से। और आप यकीन मानिए इस तरीके से आप बनाएंगे पॉपकॉर्न घर में, तो आपके घर में सभी लोगों को बिल्कुल जैसे बाजार में पॉपकॉर्न बनते हैं उस तरीके का टेस्ट आएगा। और अगर आप चाहें तो आप कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं, कुकर में आप बटर डाल के इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, बट इस टाइम मैं कढ़ाई में बना रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों के पास कुकर नहीं भी होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सेक लेंगे सबसे पहले मक्के के दाने को। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए इस तरीके से इसको सेक लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पे। इससे होगा ये कि बिल्कुल जैसे बाजार के कलर आता है उस तरीके का कलर आएगा मक्के के दाने में। तो आप देख सकते हैं जो बटर लगी थी, घी लगा था इसमें मक्के के दाने में, वो भी इस तरीके से बिल्कुल अलग हो चुका है। इस तरीके से सिक चुके हैं ये, गरम हो चुके हैं मक्के के दाने। तो गैस का फ्लेम फुल करना है, और अब इसको किसी भी चीज़ से ढककर हम लोगों को इस तरीके से स्टीम करना है। तो अब कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से मक्के के दाने बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से मक्के के दाने बन के घर में तैयार हो चुके हैं। गैस का फ्लेम लो कर देना है अब। तो अब आई थिंक कि मक्के पूरे बन के तैयार हो चुके हैं इस तरीके से। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितने इजीली मक्के के दाने बन के इस तरीके से तैयार हुए हैं। आप जैसे बिल्कुल बाजार में खाते हैं उस तरीके का बना है बिल्कुल। तो जो कुछ बचे हैं वो इस तरीके से हो चुके हैं, और देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं ये। तो एक बार आप इस तरीके से बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, तो इसको सर्व कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने प्लेट ले लिया सर्व करने के लिए, तो अब डाल देना है। और आप ये देख सकते हैं ये जो मैंने थोड़ा सा बटर डाला था वो भी इस तरीके से बच चुका है, और बिल्कुल भी जला नहीं है इस तरीके से एक भी मक्के के दाने, और सभी अच्छी तरीके से मक्के के दाने बन के तैयार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। और अगर आपके पास बटर नहीं है तो अगर आपके पास बटर नहीं है तो मैंने वीडियो बना रखा है बटर का भी, तो उसको उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो उसको आप देखकर बना सकते हैं। और अगर आपको बटर यूज़ ही नहीं करना, घी का यूज़ करना है, तो आप एक और काम कर सकते हैं। मैंने इस टाइम सॉल्टेड बटर ली थी, तो आप थोड़ा सा घी थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा नमक डाल के फिर आप मक्के के दाने को डाल सकते हैं।
अगर आपको घी का भी यूज नहीं करना है तो आप ऑयल भी आराम से यूज कर सकते हैं, बट इसमें सबसे अच्छा तो बटर ही लगता है, बटर का यूज ही अच्छा इसमें होता है, तो मैंने बटर ही डाल रखा है। तो आप देख सकते हैं जैसे बिल्कुल बाजार में होते हैं उस तरीके से पॉपकॉर्न बन के तैयार हुए हैं घर में ही। तो अगर आप कोई भी मूवी देख रहे हैं तो इस तरीके से 1 से 1.5 मिनट में इसको बनाकर आप तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल घर में ही बन जाएंगे आसान तरीके से ये, और एक भी जला नहीं है, और एक भी आप देख सकते हैं ऐसा नहीं हुआ कि एक मक्का का दाना भी बच गया हो। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और साथ ही साथ में आप मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर लीजिए, और अभी तक इंस्टाग्राम पे भी जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लीजिए, और आप वहां पे भी जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो हमारे सिंपल तरीके से पॉपकॉर्न बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।